के जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट का इंतजार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकल कर आ चुका है। छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट गार्ड, जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के टोटल जो है 600 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज निकल कर आ रहा है। एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई नोटिफिकेशन जो है जारी किए जा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फ़ायदा और बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को ही मिलने वाला है। तो किस तरीके से आप जो है फॉरेस्ट गार्ड बन पाएंगे, किस तरीके से आप एग्ज़ाम की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से पुस्तकें आपको पढ़ना है जिससे कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकेंगे, एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे, तो हर एक जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट जो है मिलने वाला है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो बखूबी इसका एक उम्दा, एक बेहतर रिजल्ट आपको जो है मिल पाएगा, देन आपका सिलेक्शन जो है वह स्वरूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, और नए नए कैरियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए। तो यदि आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, देन आपको उसका एक उम्दा, एक बेहतर रिजल्ट आपको जो है मिल पाएगा और आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के टोटल जो है 600 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती निकल कर आ रहा है। तो फॉरेस्ट गार्ड यदि आप बनना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए योग्य हैं, आप आवेदन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आयु सीमा के बारे में। तो मिनिमम एज लिमिट आपका उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें, तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है निकल कर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की स्टडी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको सैलरी जो है मिलता है। सैलरी आपको जो है 14 से 15 हज़ार रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, बिगेस्ट अमाउंट होता है, जिसे आप अपने सभी सपनों को, अपने सभी ड्रीम्स को आप जो है पूरा कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, देन आपका सिलेक्शन जो है वह रूप से हो पाएगा। तो अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी जो है निकल कर आने वाला है। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में कुल 100 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करना है, एग्ज़ाम्स की स्टडी अच्छे से करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से तैयारी करना है, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतने ही आप लोगों को एक अच्छा, एक बेहतर रिजल्ट आपको जो है मिल पाएगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगा। 100 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो 100 में से 100 प्रश्न आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देन
बशर्ते आप किस तरीके से एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से आप जो एनालिसिस करके पढ़ाई करते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने काम के ऊपर आपको जो फोकस होगा, अपने आप पर यदि आप मेहनत करेंगे, अपने फुल एफर्ट, जोश जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा, तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम में जो है निश्चित तौर पर अच्छे से नंबर ला पाएंगे और आपके सभी ख्वाब, आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। तो यदि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करना है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है जीके के बारे में आपको जो है नॉलेज होना। तो जब तक आपको जीके जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब तक आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जीके की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो टूटेजर ट्यूटोरियल्स का बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है जीके सामान्य ज्ञान के बारे में, जो है जनरल नॉलेज के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको जनरल नॉलेज के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी जो है देखने को मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जो है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है वस्तु रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक हम लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और देन आपका सिलेक्शन जो है वस्तु रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्तियाँ आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस मेहनत आपको अच्छे से करना है, तैयारी अच्छे से करना है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है वस्तु रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नए नए कैरियर ऑप्शंस, नए नए अपॉर्चुनिटीज हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस मेहनत करना है, तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और आपको जो है कामयाबी, सक्सेस, प्रसिद्धि जो है अवश्य रूप से मिलने वाला है। तो बस मेहनत कीजिए, देन आपको इसका एक बेहतर रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।